भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास बल्लभगढ़ के बापूनगर में उस समय चरित्रार्थ होता दिखाई दिया जब स्थानीय विधायक यहां सीवर लाइन डालने का कार्य शुभारंभ करने पहुंचे, जिन्हें देखने के लिए भीड़ का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसके बाद विधिवत सीवरेज कार्य का नारियल तोड़कर शुभारंभ कर दिया गया। यूं तो बापूनगर को बस से करीब 3 दशक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है, तो जाहिर है कि स्थानीय लोगों ने अब तक नेताओं के वादों पर भरोसा करना भी बंद कर दिया होगा। लंबे इंतजार के बाद जब बल्लभगढ़ विधायक मूलचंद शर्मा स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि के साथ जब यहाँ सिविल लाइन डालने पहुँचे तो लोगों में एक बार फिर से विश्वास जागता दिखाई दिया है और उन्होंने विधायक महोदय का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि जहाँ आज तक विकास की हवा न पहुँची हो वहाँ वर्तमान सरकार में विकास होंगे। 130 करोड़ की लागत से सीवरेज लाइन है, जो यहाँ पे सीवर लाइन नहीं था और इस तरह के जो 7 जितने कॉलोनी उसके लिए सीवर लाइन के लिए शुरुआत करी और ये यहाँ गरीब तबका के जो लोग हैं सलम के नाम के जाना जाता है और आज तक इनमें हमने कहा था कि इस यहाँ सीवर होगी रास्ता होगी तभी लोगों को लाभ मिलेगा और सीवर की हमने शुरुआत करी है। सारे इस पर सीवर जाके पूरे इस पर 1,30,00,000 की लागत से बन के तैयार होगा और यहाँ जो सड़क है जो पार्क है उनके लिए कॉलोनी में आपकी नज़र में और किस किस तरह की समस्या बनी हुई है? कॉलोनी में समस्या जो हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या सीवर और पानी की समस्याएं तो हैं, धीरे धीरे समस्या जैसे शहर की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और मुख्यमंत्री फंड से जो विकास हो रहा है धीरे धीरे हम एक एक विकास को जो समस्या उनको विकास कराने का काम कर रहे हैं। शहर की अंतिम कॉलोनी तक आज तक विकास की कोई नहर तक नहीं पहुँची, इसके बारे में क्या कहेंगे? शुरुआत से लास्ट तक हम कोई बीच का कॉलोनी नहीं छोड़ेंगे। अब तक नहीं पहुंची, अब तक की सरकारों में नहीं पहुंची, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मनोहर की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है, अंतिम छोर अंतिम गरीब आदमी तक विकास करने का ये सरकार कार्य करेगी।